कानपुर के नजीराबाद थाना क्षेत्र में एक मांगलिक कार्यक्रम में उस समय हंगामा हो गया जब एक महिला ने युवक पर तीसरी शादी करने का आरोप लगाया। महिला ने हंगामा करते हुए कार्यक्रम रुकवा दिया। महिला का आरोप है कि पंकज दीक्षित जो उरई का रहने वाला है उसने 26 फरवरी को उससे शादी की थी। शादी के बाद प्रियंका को पता चला कि पंकज पहले से शादीशुदा है, जिसके बाद पीड़िता ने आरोपी पंकज के खिलाफ थाने में तहरीर भी दी थी और तब से ही पंकज फरार चल रहा था। और जब प्रियंका को जानकारी हुई कि पंकज एक और लड़की से सगाई करने जा रहा है तो वो मौके पर पहुंच गई और उसने शादी रुकवा दी। सर, मेरी 26 फरवरी 2020 को शादी हुई है। कुछ दिनों बाद ही मुझे पता चलता है कि मेरे पति ऑलरेडी पहले से शादीशुदा है और ये बात पूरे घर को भी पता है, लेकिन क्योंकि वो अग्रवाल थी इसलिए वो इन लोग घर वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया और उसको वहाँ पे उसकी व्यवस्था अलग करा के मेरे लिए, समाज के लिए मेरे से शादी करवा दी गई। फिर उसके बाद ये हमने कंफर्म कराया कि ये शादीशुदा है कि नहीं, तो पता चलता है कि ये ऑलरेडी पहले से शादीशुदा है। मैंने इसके नाम के FIR दर्ज कराई, इसके नाम FIR दर्ज हुई। उसके बाद इसने कहा कि मैं अभी रुको, तुम्हारी दोनों बहनों को उठवा लूँगा। फिर यहाँ पे कुछ दिनों बाद पता चलता है इसके घर ही के सदस्य ने बताया कि ये इंगेजमेंट कर रहा है GS रेजिडेंसी से। मैं यहाँ आई, इसकी गाड़ी खड़ी मिली और इसका एक दोस्त है जिसने, उसी ने मेरे साथ बदतमीजी भी करी थी, उसने तुरंत फ़ोन मिलाया और तुरंत ऊपर भागा। हमको देखते ही उसको पकड़ने चले लेकिन वो भाग गया। वहाँ दूसरे को ड्रेस बना दी गई, उसने कहा मेरी इंगेजमेंट है। हमने कहा पंकज कहाँ है, तो कहता है यहाँ नहीं। हमने कहा गाड़ी यहीं खड़ी, पंकज को बुलाओ। तो कह रहा है कि जाओ ढूंढ लो। हमने कहा तुम्हारी इंगेजमेंट की, उसकी इंगेजमेंट है। कहती वो भी करेगा तो क्या कर लोगी। हमने कहा और दरवाज़ा बंद कर दिया। हमने कहा दरवाज़ा खोलो। होटल वाले सारे लोग आ गए और मेरे परिवार वालों को धक्का दे के नीचे उन लोगों ने जाने को कह दिया। हमने कहा हम नहीं जाएंगे, दरवाज़ा खुलवाइए, ये पंकज यहीं है, दरवाज़ा खुलवाइए। लेकिन उन लोगों ने नहीं खोलने दिया और जैसे मेरे परिवार ने नीचे चले गए, हमें वहीं खड़ी रही, तो इन लोग मेरी दीदी और इसने मेरे से सीने में कस के हाथ कस के सीने पे खींच के बहुत तेज, मेरे सर अभी तक दर्द हो रहा है, मेरे पर कैची चलाई सर। और ये लोग लेके हथियार पहले से लेके बैठे थे, पेचकस लेके बैठे थे सर। ये देखिए सर, पुलिस को आपने, ये देखिए पुलिस आ गई सर, पुलिस आई। मैंने कहा कि सर दरवाजे खुलवाइए सर, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। हम लोग को होटल से बाहर भेज दिया गया। फिर उसके बाद एक घंटे तक मैं खड़ी रही और फिर उसके बाद एक घंटे, अगर वो सही था तो क्यों नहीं निकल के आया। वहीं हंगामे की जानकारी होते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और पीड़िता की तहरीर पर मामला दर्ज कर युवक को हिरासत में ले लिया। फिलहाल पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है और जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दे रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कानपुर से अमरीश त्रिपाठी की रिपोर्ट।